अलवर जिले के सकट गांव के श्री बांके बिहारी जी महाराज मंदिर में कार्तिक मास के उपलक्ष्य में मंदिर के महंत के सानिध्य में चल रही 9 दिवसीय संगीतमय शिव महापुराण कथा की आज 10वें दिन चित्रकूट धाम से पहुंचे शिव महापुराण कथावाचक संत स्वामी कमल दास बाबू ने सुबह सुबह हर्षोल्लास के साथ श्री शिव महापुराण की कथा की पूर्णाहुति कर दी है। उन्होंने एक संत की महिमा बताते हुए कहा कि एक बार एक बहुत बड़े संत अपने एक शिष्य के साथ दिल्ली से वृंदावन को वापस जा रहे थे। रास्ते में उनकी कार खराब हो गई। वहीं पास में एक ढाबा था। शिष्य ने संत को वहां चलकर थोड़ा आराम करने का आग्रह किया, जब तक कार ठीक ना हो जाए या दूसरा कोई इंतजाम ना हो जाए। ढाबे के मालिक ने जब देखा कि इतने बड़े संत उसके ढाबे पर आए हैं, उसने जल्दी जल्दी शुद्ध सात्विक भोजन तैयार करवाया और संत से आग्रह किया कि कृपा कर आप भोजन ग्रहण करें। संत ने बड़े ही विनम्र भाव से कहा कि जो सिर्फ भोग लगा हुआ प्रसाद ही पाप करेंगे। ढाबे का मालिक बहुत निराश हुआ और शिष्य भी दुखी था कि संत ने सुबह से कुछ नहीं खाया। ठीक उसी समय एक और कार आ गई और वहीं रुकी, जिसमें से एक दंपत्ति गोपाल जी को लेकर बाहर निकले और ढाबे के मालिक से कहा कि कुछ सात्विक भोजन तैयार करवा दीजिए, मेरे गोपाल जी के भोजन का समय हो गया है। उन्होंने बताया कि वो लोग वृंदावन से दिल्ली अपने घर वापस जा रहे थे। रास्ते में एक दुर्घटना की वजह से वे समय से नहीं पहुंच सके और अब उनके गोपाल जी के भोग का समय हो गया है। प्रभु की इस लीला को देखकर ढाबे के मालिक और शिष्य दोनों की आंखें भर आई। संत के लिए बनाया हुआ भोजन गोपाल जी को भोग लगाया, फिर वो प्रसाद संत के पास लेकर गए। संत ने जब सारी बात सुनी तो वो दौड़कर गोपाल जी के पास आए और दंडवती की। संत के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। संत ने कहा, कन्हैया आज तूने मेरे लिए इस ढाबे पर जहां प्याज लहसुन की गंध से मेरे लिए ही बैठना कठिन हो रहा था, वहां तूने मेरे लिए आकर भोग लगाया कि मैं भूखा ना जाऊं। धन्य है तू जो अपने भक्त के लिए कुछ भी करने को तैयार है। उस संत ने प्रसाद को माथे से लगाया। उस प्रसाद को अमृत से भी ज्यादा मीठा लग रहा था। दूसरी तरफ ढाबे वाला सोच रहा था, धन्य है तू सावरे, मैं तो घर पर तुझे सिर्फ कभी कभी कुछ मीठा ले जाकर देता हूँ, वो भी बीवी के कहने पर, और तू मेरी इच्छा पूरी करने पर खुद ही यहाँ पर चला आया।